A to Z maths, and today we will be discussing JE mains 2019 problem, and the question is from 2D geometry section. So let's read out the question first of all. So there is a point O that is 0,0 and point A which is 0,1. These are the two fixed points. Then the locus of the point P such that perimeter of the triangle AOP is 4. Then you have to choose the correct option. Okay, so question mein aapko ek triangle given hai basically. तो ये हमारा वो ट्राइंगल हो गया, और इस ट्राइंगल में जो हमारे वर्टेक्स है उनमें से दो वर्टेक्स आपको गिवन है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ 0,0 और एक सेकंड वर्टेक्स आपका ए गिवन है, दैट इज़ 0,1, और थर्ड वर्टेक्स हमें जिसका लोकस फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि जब भी किसी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है उसको हम लोग x,y से ट्रीट करते हैं। सो ये यहाँ पे वर्टिसेस हो गए, और ट्राइंगल आपका जो ए ओ पी है उसका पैरीमीटर जो है वो 4 है। इट मींस आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ओ ए डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट्स का होगा, और पैरीमीटर जो है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, ओ ए प्लस ए पी एंड देन पी ओ, ये इस ट्राइंगल का पैरीमीटर होगा, और विच इज़ गिवन 4। सो ओ ए हमारा 1 यूनिट है, सो इट मींस व्हाट, ए पी प्लस पी ओ जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स हो जाएगा। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अब क्लियरली मैं ए पी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। सो यहाँ पे मुझे कितना मिलने वाला है, x माइनस 0 होल स्क्वायर, और यहाँ मेरा होगा y माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस पी ओ कितना होगा, p का o से जो डिस्टेंस है वो होगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3। नाउ अब हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हमें स्क्वायर रूट यहाँ पे रिमूव करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये हमारा x स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर है और 3, और इस पूरे स्क्वायर रूट को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दूँ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र हो गया विद द नेगेटिव साइन। नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव द स्क्वायर रूट साइन आई कैन स्क्वायर बोथ साइड्स। तो यहाँ जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स तो ये हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड माइनस 6 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वी हैव जस्ट सिंपली यूज द आइडेंटिटी दैट इज़ ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर का यूज़ करते हुए यहाँ पे इस राइट हैंड साइड को जो है वो एक्सपेंड किया है। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये प्लस आपका वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 है आपका इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होने वाला है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो फैक्टर बचेगा वो होगा 6 ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8 प्लस 2y आपका बचने वाला है। नाउ अगेन हम स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम लोग जो है वो इसको ऐसे रीराइट कर सकते हैं, पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आपका होगा 4 प्लस वाई। नाउ अगेन आई एम जस्ट मेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, सो इट विल गिव मी यहाँ पे जो है वो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या बनने वाला है। नेक्स्ट स्टेप आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपका जो है स्क्वायर करने पे जो है वो आपको मिलेगा 9, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y, राइट। और जैसे ही हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर और यहाँ पे आपका माइनस 8y इज इक्वल्स टू 16, राइट। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में लग गया होगा। सो क्वेश्चन फंडामेंटल जो है कॉन्सेप्ट लोकस का जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।